हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद फरीन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स देखी थी, जिन ट्रिक्स की हेल्प से हमें उन फार्मूलाज को रटने का नीड नहीं है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इस फर्स्ट यूनिट का नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीकल्चर का लास्ट चैप्टर है ये, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसमें हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में कि नेशनल इनकम हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बेसिक फार्मूलाज हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, उन बेसिक फार्मूलाज का भी यहाँ पर ऑब्वियसली यूज़ होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है। देखो, नेशनल इनकम होता क्या है? नेशनल इनकम वो फैक्टर इनकम होता है जो यहाँ के, मतलब हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो होते हैं वो अर्न करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के ही थ्रू। ठीक है, तो वो चीज़ टोटल, उसका टोटल हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है, द नेशनल, जो हमारी कंट्री का नेशनल इनकम है, उनको हम तीन तरह से, तीन डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वो तीन डिफरेंट मेथड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीन मेथड की हेल्प से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, देखो, वैल्यू एडेड मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड से हमको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही मिलता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है। इनकम मेथड यूज़ करते हैं तो हमको एनडीपी एट एफसी मिलता है। ठीक है, मतलब डोमेस्टिक इनकम मिलती है। और एक्सपेंडिचर मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है। इनको समझने से पहले एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, डोमेस्टिक, सपोज क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, उसने आपको क्लैरिफाई नहीं करा ऐसे सिंबॉलिकली कि आप जीवी एट एमपी फाइंड करो या जीडीपी एट एमपी फाइंड करो, उसने बोला आपको कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड करो। तो डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है? आपकी जो डोमेस्टिक इनकम होती है, आपकी डोमेस्टिक इनकम हमेशा किसके इक्वल होती है? एन डी पी एट एफ सी के। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम आपकी किसके इक्वल होती है? डोमेस्टिक इनकम होती है एन डी पी एट एफ सी के। ठीक है, और अगर नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया डायरेक्ट, वो तो बार बार बोलेगा क्वेश्चन में, क्योंकि चैप्टर ही उससे रिलेटेड है। आपसे बोलेगा क्वेश्चन में डायरेक्टली कि फाइंड नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जब फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, दैट मीन्स आपको उसने बोला है ये एन एन पी एट एफ सी फाइंड करो। ठीक है, अब ये तीनों मेथड आपको गिवन होगा और बोलेगा कि वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप नेशनल इनकम फाइंड करो। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, मतलब वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करना है और एन एन पी एट एफ सी फाइंड करना है, क्योंकि एन एन पी एट एफ सी को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि वैल्यू एडेड मेथड से आपका क्या फाइंड होता है, फाइंड तो होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ किया और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है? जीडीपी एट एमपी के इक्वल। जैसे ही आपके हाथ में एक बार जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाती है, तो जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि वो आप प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है, सेम चीज़ इनकम मेथड के साथ है। इनकम मेथड के साथ हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं एनडीपी एट एफसी, और उसके थ्रू उसको एनएनपी में, एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी ही फाइंड होता है, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, आपको कन्वर्ट करना आपने प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया था। तो कन्वर्जन हमने वो बेसिक फार्मूलाज क्यों सीखा है, क्यों पढ़ा था, उसका मेन यूज़ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ बॉक्स में दिख रही होगी, वन मार्क्स का ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्या है ये? हमारे इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है। ठीक है, CSO, इंडिया के अंदर नेशनल इनकम कौन एस्टिमेट करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इन शॉर्ट में CSO भी बोला गया है। वन मार्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए हमको।
अब बारी आती है, हम वापस से मेथड पे आ जाते हैं, वैल्यू एडेड मेथड पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो हम कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड, उसमें क्या है वैल्यू एडेड मेथड, देखो दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल, ये मेथड हम नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। जितने भी एंटरप्राइजेस होते हैं वो सभी प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करते रहते हैं, ठीक है, एज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, उसी वैल्यू को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। अभी एग्जांपल दूंगी, उसके थ्रू और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट लाइन है, दिस मेथड इज नोन एज, इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कॉमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अभी वापस से आ जाओ वैल्यू एडेड मेथड को, आपने थ्योरिकली तो देख लिया, अभी होता क्या है वो देखो। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, अच्छा ये सारी चीज़ भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ देखो। सपोज आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप मार्केट से सामान लेके आए, आप सामान लेके आए हो 5 रुपीज़ का, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया 8 रुपीज़ में। ठीक है, लेके आए हो सामान 5 रुपीज़ का, सेल किया है 8 रुपीज़ में। अभी बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 रुपीज़ का, ये 3 रुपीज़ शॉपकीपर के लिए क्या होगा, अभी आप बोलोगे ये प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट अकाउंट्स की लैंग्वेज में, अभी हम इको पे पढ़ रहे हैं तो इको पर ही आ जाओ। ये 3 रुपीज़ क्या होगा, ये 3 रुपीज़ वैल्यू एडेड होगा। ठीक है, वो शॉपकीपर ने सामान 5 रुपीज़ का लेके आया था, मार्केट में सेल किया 8 रुपीज़ का, मतलब उस 5 रुपीज़ में उसने प्लस 3 कर दिया, 3 रुपीज़ वैल्यू ऐड कर दी उसने, ठीक है, और उसको 8 रुपीज़ में बेचा। अभी नेक्स्ट में तो ये क्या हो गया, ये जो 3 रुपीज़ हुआ ना, ये 3 रुपीज़ क्या हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सामान लेके आया 5 रुपीज़ का, ठीक है, ये क्या हो गया, उस शॉपकीपर के लिए एक इंटरमीडिएट गुड हो गया ना, मैं मतलब एज अ शॉपकीपर कुछ सामान मार्केट में रीसेल करने के पर्पस से ला रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ कैसे ट्रीट होगी, एज अ इंटरमीडिएट गुड ट्रीट होगी, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, मार्केट में उसको मैंने सेल किया कितने का, 8 रुपीज़ का, तो ये 8 रुपीज़ उस क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब जो आउटपुट मैं, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन मैंने लिया था, उसको जो मैं मार्केट में रीसेल कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या है, उस आउटपुट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 8 रुपीज़, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस 3 रुपीज़ का, ये 3 क्या हो गया आपका, ये 3 हो गया वैल्यू एडेड, जिसको आप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हो, जो कि किसके बराबर होता है, GDP एट MP के इक्वल होता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे दोबारा से, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको वैल्यू एडेड निकालना है, आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था हमारा, 8 रुपीज़ था, माइनस किया इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है आपका, 5 रुपीज़। ठीक है, तो 8 - 5 = 3 विच इज़ योर वैल्यू एडेड, होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। फिर देख लेते हैं हम, आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई कि वैल्यू एडेड कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू एडेड में हम जो मतलब एज अ शॉपकीपर, एज अ मतलब रीसेल करने के पर्पज़ से आप कोई भी सामान ला रहे हो, तो वो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन वो वैल्यू है। ठीक है, उसको फिर आपने बाद में रीसेल कर दिया, तो जिस वैल्यू पे रीसेल किया वो आपका उस वैल्यू का, उस आउटपुट का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब आप जो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो क्या फाइंड कर रहे हो, आप ये फाइंड कर रहे हो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज़ इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब GVA एट MP आपका GDP एट MP के बराबर होता है। जी और जी सेम है, MP सेम है, वी की वैल्यू मतलब VD के बराबर होगा, AP के बराबर होगा। ठीक है,
अभी देख लेते हैं ग्रॉस वैल्यूएटेड एट मार्केट प्राइस हमारा जीडीपी एट एमपी के बराबर होता है, ये तो हमको मालूम चल गया। अभी देख लेते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या ये चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपकी वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, फ्यूल हो गया, पावर भी हो गया, कोई भी चीज़ जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ की जा रही है, ठीक है। व्हेन डोमेस्टिक, देखो इंटरमीडिएट गुड्स आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है, डायरेक्ट गिवन, जैसे अभी हमने ए फाइव और एट वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स आपको डायरेक्ट गिवन था, 5 रुपीज़, 5 कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन था, आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, हो गया। अभी क्या है, देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर आपको डोमेस्टिक कंजप्शन दिया हो, ठीक है, व्हेन डोमेस्टिक कंजप्शन इज गिवन, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह डायरेक्ट डोमेस्टिक कंजप्शन लिख रखा हो, तब आप इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे फाइंड करोगे, तब आप डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस इम्पोर्ट भी फाइंड करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर जो है, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, सिर्फ वही चीज़ को कंज्यूम करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एज अ इंटरमीडिएट कंजप्शन हम बाहर से इम्पोर्ट भी करवाते हैं सामान को, ठीक है। तो अगर सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन है, दैट मीन्स इसके अंदर इम्पोर्ट वगैरह सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन आपको गिवन कर रहे हैं, सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसमें इम्पोर्ट को भी ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपने बाहर से आपकी कंट्री ने यूज़ किया है, बाहर से इम्पोर्ट करवाया है, उसको भी आपने कंज्यूम किया होगा, ऑब्वियस है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे उसको ऐड करोगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिर आ जाते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पे, जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, मार्केट वैल्यू होती है कोई भी गुड्स या सर्विसेज की, ठीक है, जिसमें आपने जिस मार्केट जिस वैल्यू पे आपने उसको मार्केट में रीसेल किया था, जैसे 8 रुपीज़ में रीसेल किया था, ठीक है। तो ये क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर डायरेक्ट गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे। वैसे ये बहुत अच्छी बात बहुत रेयरली केसेस में होगी, क्योंकि आप 12th में हो तो डायरेक्ट कुछ भी चीज़ आपको गिवन नहीं होगा, आपको हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो आपको सेल्स निकालना है, हमें पता है अगर हमें एक कॉमोडिटी का प्राइस दे रखा है और उसकी क्वांटिटी दे रखी है तो हम इजीली फाइंड आउट। सपोज अगर बोला कि ये 1 पेन 10 रुपीज़ का है, तो 10 पेन कितना का होगा, तो हम 10 × 10 कर देंगे, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे, तो हमारा सेल्स निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स डायरेक्ट गिवन है, अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये चीज़ें गिवन होगी। चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन है तो अच्छी बात है, वैसे नहीं होगा चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन, तो आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके चेंज इन स्टॉक निकालना है, ठीक है। फिर आता है अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंट्री में सेल कर रहे हैं, हम फॉरेन में भी सेल करेंगे, हम बहुत मेहमान हैं, तो क्या होगा उसमें, उस केस में आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड करोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक तो है ही है, प्लस एक्सपोर्ट भी ऐड करोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला जो था आपका वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना है ये आपको समझ आ गया है यहाँ पे, और इंटरमीडिएट कैसे फाइंड आउट करोगे वो चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, हम क्या देखेंगे, अब स्टेप्स देखेंगे, ठीक है। हम स्टेप्स देखते हैं कि हमें कैसे, हमें नेशनल इनकम फाइंड हम कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और हमें उसमें बोला है कि वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करके आप नेशनल इनकम फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फर्स्ट जैसे ही आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया, आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो कि किसके बराबर होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस के बराबर। अब आपको जब जीडीपी एट एमपी मिल गया है तो कन्वर्जन आपको बहुत ईजली आता है, आपने लास्ट मेथड में वो वी शेप वाली ट्रिक भी सीखी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक एमपी, ये ट्रिक भी आपने सीखी थी। तो इस ट्रिक की हेल्प से आपको जो जीडीपी एट एमपी का वैल्यू पता है उसको एनएनपी एट एफसी में ईजिली कन्वर्ट कर लोगे। हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था, जो नॉन वैल्यू होती है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो अन वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं।
तो जी से एन पे जाना है, जी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस टैप करते हैं। डी से एन पे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एन एफ आई, और एम पी से एफ सी पे जाने के लिए माइनस एन आई डी। तो ये फार्मूला यूज करोगे, ईजली आपका क्या हो जाएगा, एन एन पी एट एफ सी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या है, एक और नया टॉपिक है, ये तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है, अभी एक नया टॉपिक है जो 3 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है। वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है, जैसे सपोज ये प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, इसने सामान किसी को यहाँ से सामान कोई लेके आया, बहुत सारा स्टॉक, मतलब बहुत सारा सामान लेके आया है, ठीक है, उसका प्राइस था 5 रुपीज़, ठीक है। अभी इसने होलसेलर वगैरह को बेचा, ये हो गया 7 का, इसने रिटेलर वगैरह को बेचा 8। मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आप नेशनल इनकम में इसको भी इंक्लूड कर रहे हो, इसको भी इंक्लूड कर रहे हो, इसको भी इंक्लूड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई सामान तो सेम है ना, ठीक है। सपोज़ ये फ्लोर मिल है, मतलब यहाँ आटा वाटा बनता है, ठीक है, तो इसको मतलब लेके आया एक होलसेलर, इससे क्या हुआ, इस होलर से शॉपकीपर वाले ने लिया आटे को, ठीक है, शॉपकीपर वाले ने बेकरी वाले को दिया, बेकरी वाला बिस्किट विस्किट बना के मार्केट में बिस्किट सेल कर रहा है 10 रुपीज़ का। फाइनली वो 10 रुपीज़ का जो बिस्किट सेल कर रहा है, तो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ ये फाइनल वैल्यू ही, गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, सिर्फ वो ऐड होगी, ये सारी ऐड नहीं होंगी, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना होता है। अब देख लेते हैं हम, ये तो हमारा हो गया, अब इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। तो हमने वैल्यू एडेड मेथड देखा, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको दिख रहा होगा कि आपको नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। अभी देखो, नेट, नेट किससे डिनोट होगा, एन से, वैल्यू एडेड वी ए, एट मार्केट प्राइस एम पी। आपको ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सारी चीज़ें गिवन है आपको, वैल्यू एडेड मेथड यूज़ करके आपको फाइंड करना है। तो भाई वैल्यू एडेड मेथड जब हम यूज़ करते हैं, तो उससे तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आती है, वो होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम वो निकाल लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट तो गिवन नहीं है यहाँ पे। जब अगर देखो डायरेक्ट गिवन होता वैल्यू ऑफ आउटपुट के नाम से, लेकिन सेल भी दे रखा होता, चेंज इन स्टॉक भी दे रखा होता है, तो आप सेल्स और चेंज इन स्टॉक को इग्नोर कर दे, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने सेल्स लिया प्लस चेंज इन स्टॉक लिया माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट दे रखा है 40 का, पुट कर दिया। सेल्स की वैल्यू 90 है, चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, माइनस 40 चल ही रहा है, 90 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू 25, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 15, ये माइनस 40 है ही, 90 प्लस 25 में से 15 गया 10, माइनस 40। अभी क्या हुआ, 90 25 माइनस 15 10 माइनस 40, 90 प्लस 10 100 माइनस 40 विच इज़ इक्वल्स टू 60। ये जो आपका 60 आया है, वो आपका क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हमें ग्रॉस वैल्यू ऑफ एडेड एट मार्केट प्राइस जो है, वो हमारी क्या है, नोन वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी नोन वैल्यू है। हमारी नोन वैल्यू किधर जाती है, राइट हैंड साइड पे, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी क्या है, देखो पीछे का ये सारा तो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट वैल्यू ही चेंज करनी है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, जो वी शेप में आपने कन्वर्ट किया था, ग्रॉस ऊपर था, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये राइट हैंड साइड आपका क्या होता है, माइनस का होता है, क्या माइनस करोगे, डेप माइनस करोगे। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप कर दिया, डेप आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डेप्रिसिएशन 20, तो 60 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40, दैट मीन्स आपका नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है वो क्या होगा, 40 रुपीज़ होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड, आपको और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, अगर उन न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो क्वेश्चन टाइप करके सेंड कर सकते हो, या फिर उसको क्वेश्चन की क्लिप पे क्लिक करके आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो।
अगर डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड करेंगे। लेकिन अगर डाउट्स होंगे आपके तो पहले उन डाउट्स को क्लियर करेंगे।